गाइज, वेलकम अगेन। आज हम करने जा रहे हैं टीजीटी स्क्रीनिंग मैथ्स का पेपर, उसका सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे, जो हमारा 30 अप्रैल को हुआ था। बहुत इजी था पेपर, 11th 12th लेवल ही इसमें दे रखा था, बीएससी एमएससी का कोई भी टॉपिक इसके अंदर नहीं था। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, मेरे पास सेट है इसका ए, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, किसी का क्वेश्चन नंबर अलग, सीरियल नंबर अलग हो सकता है। फर्स्ट था हमारा 51 से, एक कार्ड इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेक। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दे रखा है, क्या कह रखा है इसमें, कार्ड को सिलेक्ट करना है हमें पैक ऑफ 52 कार्ड। ये हमारा फर्स्ट था मैथ्स के, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आए थे, इसमें 51 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। टोटल कार्ड हमारे कितने होते हैं, 52 कार्ड, टोटल कार्ड्स 52, हमें एक कार्ड को सिलेक्ट करना है। प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ ए स्पेड, स्पेड में से एस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, और हमें पता है कि टोटल कार्ड के अंदर कितने एस कार्ड होते हैं, हमारे 4 होते हैं। टोटल एस कार्ड कितने होते हैं, 4, और वो 4 सभी में, जैसे डायमंड का भी एक होता है, स्पेड का भी एक होता है, हार्ट का भी और क्लब का भी एक एक होता है, और इसमें हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ ए स्पेड, स्पेड में एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यानी कि यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या होगी, एस कार्ड कितने होते हैं स्पेड में, 1 होता है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 52। बहुत ही इजी था। नेक्स्ट है द रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन हमें गिवन है 52, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2, एक्स बिलोंग टू आर। हमें इस फंक्शन की क्या फाइंड आउट करनी थी, रेंज फाइंड आउट करनी है, तो रेंज के लिए हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन एफ एक्स, एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, तो मीन्स यहाँ पे हमें x की वैल्यू रियल नंबर से उठानी है, और हमें गिवन फंक्शंस के अंदर पुट करके ये बताना है कि इसकी रेंज क्या होगी। अगर मैंने रियल नंबर में से यहाँ पे x की जगह पे 0 उठाया, तो यहाँ फंक्शंस में पुट किया, तो f ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया, 0 का स्क्वायर प्लस में 2, 2। अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर प्लस में 2, 3। अगर मैं यहाँ पे रियल नंबर में से नेगेटिव वैल्यू भी उठा सकती हूँ, तो x की जगह पे मैंने -1 उठाया, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, यानी कि यहाँ पे x स्क्वायर है, माइनस को भी ये क्या बना देगा, प्लस ही बना देगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है हमारी रियल नंबर से उठाने के बाद जो रेंज है, रेंज मीन्स जो निकल के वैल्यू हमारे पास जो आ रही है फंक्शंस की, मीन्स जो y की वैल्यू, एफ एक्स को क्या लेते हैं हम, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2, एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो आंसर इज 2 When x equal to 0, ठीक है। अब x की वैल्यू मैंने 1 पुट की यहाँ पे, देन y की वैल्यू क्या आ रही थी, 3, x की वैल्यू -1 पुट की तब भी y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, -2 करेंगे -3 -4 एड 16, जो भी प्लस माइनस वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, इसको ये प्लस हो जाएगी सारी वैल्यू, तो यहाँ से इसकी y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 या 2 से बड़ी निकल के आई है, अगर हमने x की वैल्यू गिवन फंक्शंस के अंदर रियल नंबर पुट की है, तो हमें रेंज ही बतानी थी गिवन फंक्शंस की, तो रेंज कहां से स्टार्ट होगी हमारी, लोएस्ट वैल्यू हमारी क्या आई है इसमें, 0 पुट करने के बाद 2, फिर 2 से आगे ये कहां तक जा रही है हमारी, ऐसे वैल्यू अगर हम पुट करते जाएंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमारी ऐसे इंक्रीज होती जाएगी, तो ये कहां तक जाएगी, 2 to infinity। तो रेंज ऑफ द गिवन फंक्शंस हमारी कितनी आ गई यहाँ पे, 2 to infinity। थर्ड था हमारा 53, ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉय, द नंबर ऑफ वेज ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड इफ द टीम हैज नो गर्ल्स। हमें कितने मेंबर टोटल टीम में से, कितने मेंबर सिलेक्ट करने हैं, 5 मेंबर सिलेक्ट करने हैं, हमें गिवन क्या है, 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज हमें गिवन है। द नंबर ऑफ वे ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड इफ द टीम हैज नो गर्ल्स, इफ द टीम हैज नो गर्ल्स, अगर कोई भी गर्ल हमें किसके अंदर सिलेक्ट नहीं करनी, टीम के अंदर, ठीक है, जो सिलेक्टेड मेंबर है वो कितने हैं, 5, यहाँ पे लिख लेंगे सिलेक्टेड मेंबर। ये था हमारा 53 वाला क्वेश्चन।
सिलेक्टेड मेंबर कितने हैं हमारे, 5 सिलेक्ट करने हैं, और टीम के अंदर हमें कोई भी गर्ल को सिलेक्टेड नहीं करना, तो मींस हमें यहाँ पे ओनली एंड ओनली बॉयज को सिलेक्ट करना है, और बॉयज कितने हैं हमारे, 7 बॉयज हैं, 7 में से 5 हमें सिलेक्ट करने हैं, तो 7 में से 5 सिलेक्ट किस तरह से लिखेंगे इस चीज को हम, 7C5, टोटल मेंबर हमें 5 सिलेक्ट करने थे और एक भी गर्ल उसके अंदर हमें टीम के अंदर नहीं लेनी, तो मींस ओनली हमें बॉयज लेने हैं, और बॉयज कितने थे, 7, 7 में से 5 मेंबर सिलेक्ट करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे, 7C5, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये 21, ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, 7C5, इसमें क्या हो जाएगा, NCR वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस में r फैक्टोरियल, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारी, 7 है, r की वैल्यू क्या है, 5, डायरेक्ट इसके अंदर पुट करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ये निकल के इसका आंसर कितना आएगा हमारा, 21 आएगा। नेक्स्ट है देखो इसमें 54 वाला, a इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर कितना है, 3x3, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें गिवन है 5, वी हैव टू फाइंड आउट 3a, इसकी हमें डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है, देखो अगर ऑर्डर गिवन है और डिटरमिनेंट गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो भी डिटरमिनेंट है उसको किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है, जैसे यहाँ पे 3 से कर रखा है, 3a की डिटरमिनेंट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या है, यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जो भी इसका ऑर्डर है, पहले क्या आ जाएगा इसका ऑर्डर, 3 की पावर n इनटू में क्या आ जाएगा इसका डिटरमिनेंट, ये हमारा इसका फॉर्मूला होगा, अगर यहाँ पे हमारा 2a होता तो 2 की पावर n, n क्या है इसके अंदर, n इज द ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, तो इसमें पुट कर देंगे, 3a की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3 की पावर 3 इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है, 5 है, 3 की पावर 3 27 इंटू में 5, ये आंसर हमारा कितना आ गया, 135 इज द राइट आंसर, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 54, बहुत इजी था, ऑर्डर गिवन था, डिटरमिनेंट गिवन है और हमें वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है 3a, तो यहाँ पे जो भी अगर 3 है तो 3 की पावर n हो जाएगा, 5 है तो 5 की पावर n, 2 है तो 2 की पावर n, तो 3 की पावर n, n इज द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ a, 3 की पावर 3 और इनटू में 5, आंसर इज 135। नेक्स्ट करते हैं हम इसी का 55, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन e की पावर x प्लस में e की माइनस x, इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें 0 to 1 dx अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में e की पावर x, नीचे एलसीएम लेंगे 0 to 1 dx अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा e की पावर 2x प्लस में 1, नीचे e की पावर x बचेगा, इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, e की पावर x dx अपॉन में e की पावर 2x प्लस में 1, अब हमें पता है e की पावर x को हम पुट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, e की पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी सेम रहता है, तो यहाँ से हम पुट करेंगे, पुट e की पावर 2x प्लस में 1 को मैंने t पुट कर दिया, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e की पावर 2x का e की पावर 2x, फिर पावर का क्या हो जाएगा 2x का 2 इंटू में dx इक्वल टू dt, हमें वैल्यू ऊपर क्या चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, e की पावर x dx था, हमने क्या पुट कर दिया, सॉरी e की पावर x को ही पुट कर लेंगे इसके अंदर, e की पावर x को ही मैंने क्या पुट कर दिया, e की पावर x को t पुट कर दो डायरेक्ट, ठीक है, उसे भी हो जाएगा, e की पावर x को मैंने t पुट किया तो e की पावर x इंटू में dx इक्वल टू dt, तो नीचे क्या बन जाएगा, ये डायरेक्ट 0 to 1 e की पावर x dx को क्या लिख सकते हैं, dt, e की पावर 2x है, यहाँ पे e की पावर x है तो यहाँ से e की पावर 2x की वैल्यू क्या आ गई, t स्क्वायर प्लस में 1, अब हमें देखना है कि 1 अपॉन में x स्क्वायर प्लस में 1 किसका डेरिवेटिव होता है, ये tan इनवर्स t का, t स्क्वायर प्लस में 1, अब इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है ये dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस में 1, ये tan इनवर्स t का होता है,
टेन इनवर्स टी का, और यहाँ पे लिमिट है 0 to 1, इसके अंदर पुट कर देंगे टेन इनवर्स 1 माइनस में टेन इनवर्स 0, ये तो 0 ही होगी वैल्यू, टेन इनवर्स 1, 1 पे टेन टी की वैल्यू, सॉरी टेन टी जो भी फंक्शन है 1 कौन से एंगल पे होती है इसकी, पाई बाई 4, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ गया था हमारा, पाई बाई 4 आ गया। नेक्स्ट है हमारा पाई बाई 4 माइनस में ये वाली वैल्यू आ गई थी हमारी, सॉरी स्टूडेंट, टेन इनवर्स 1 माइनस में टेन इनवर्स 0, यहाँ पे वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट की तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 4 माइनस में यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर में था, पहले हमें t की जगह पे जो भी वैल्यू हमने पुट की थी e की पावर x वाला, ये हम क्या करेंगे इसके अंदर, e की पावर x की फॉर्म में इसके अंदर हमें पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या थी e की पावर x, तो tan इनवर्स e की पावर x माइनस में tan इनवर्स 0, 0 to 1, अब वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे tan इनवर्स e की पावर 1, ठीक है, माइनस में tan इनवर्स 0, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी डायरेक्ट tan इनवर्स e आ गया ये तो, और माइनस में ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0, tan इनवर्स 1, ये भी tan इनवर्स e की पावर x था, देखो यहाँ पे tan इनवर्स e की पावर x था ये, इसकी जगह पे पुट करेंगे तो tan इनवर्स e की पावर x, फिर लिमिट हमने पुट की थी 0 to 1, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 पुट कर दिया, फिर 0 पुट की, तो मींस e की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये तो वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1, और ये tan इनवर्स 1 आ गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स e माइनस में ये 1 वैल्यू किस पे होती है, tan की पाई बाई 4 पे, और प्लस में इसने c वाला ऑप्शन कोई दे भी नहीं रखा, इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में क्या आता है कॉन्स्टेंट c, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछी थी इसने 0 टू 1 dx अपॉन ex प्लस में e की पावर माइनस x, तो हमने क्या किया नीचे e की पावर x को t पुट कर दिया, यहां से ये टी स्क्वेयर प्लस में 1 बन गया, 1 अपॉन में टी स्क्वेयर प्लस में dt, ये किसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t का, फिर t की जो वैल्यू पुट की थी x की फॉर्म में tan इनवर्स e की पावर x लिमिट 0 टू 1, अलग अलग लिमिट की अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये वैल्यू पुट करने पे e की पावर 0 था, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई थी, मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया था, सॉरी 0 पुट कर दिया इसको, ये क्या था e की पावर x था, तो e की पावर x की जगह पे लिमिट पुट करते हैं हम e की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है 1, अब ये वैल्यू किसकी होती है पाई बाई 4 के ऊपर, आंसर कितना आ गया हमारा इस इंटीग्रेशन का tan इनवर्स e माइनस में पाई अपॉन में 4। नेक्स्ट देखो इसी का dx अपॉन में, ये गिवन है dx अपॉन में x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से कई क्वेश्चन दे रखे थे, इसमें क्या होगा देखो, ये भी ऐसे ही पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे, नीचे क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 1, तो यहाँ पे हम किसको पुट कर देंगे इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 को t पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t पुट कर दिया, 2x dx किसके इक्वल है dt, हमें ऊपर क्या चाहिए dx चाहिए, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई dt बाई 2x, dt बाई 2x, देन हमारी ये जो इंटीग्रेटिंग जो ये लिमिट है ये इस तरह से चेंज होगी, dx को लिख दिया dt बाई 2x, x इसमें पहले से ही है इंटू में x, x स्क्वायर प्लस में 1 को क्या पुट कर दिया था इंटू में t, यानी कि dt अपॉन में 2x स्क्वायर इंटू में, आप देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये पूरी जो लिमिट है इंटीग्रेटिंग की ये हमने एक्स स्क्वायर प्लस में 1 को टी पुट कर दिया, तो इसको टी की फॉर्म में हम पुट करने जा रहे हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारी टी माइनस में 1, यहाँ पे पुट करते हैं डी टी अपॉन में 2 इंटू में टी माइनस में 1, और इंटू में क्या है ये हमारा टी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या कर दी हमें इंटू में टी था, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दिया टी माइनस में 1, तो देखो इसमें नीचे क्या है t माइनस 1 इंटू में t है, अब t माइनस 1 ऊपर भी अगर हम इसी तरह का फंक्शंस बना दे जिसमें मतलब कि डायरेक्ट t कैंसिल आउट हो जाए, t माइनस 1 प्लस 1 इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे, आगे 2 को बाहर निकाल लेंगे, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है, देन 1 बाई 2 यहाँ पे हमारा क्या आ गया बाहर 1 बाई 2 dt अपॉन में
टी माइनस वन इंटू में टी। नीचे फंक्शन हमारा टी का है तो इसमें ऊपर हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको इसी फॉर्म का फंक्शन बनाएंगे, वन अपॉन में टू डी टी। यहाँ पे टी माइनस वन लिख सकते हैं ना मैं इस चीज को, क्योंकि माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो टी माइनस टी और प्लस में वन, टी से टी कैंसिल आउट, ओनली वन ही बचेगा, वन इंटू में डी टी लिख सकते हैं इस चीज को। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि नीचे भी हमारा फंक्शन इसी टाइप का, फिर उसको अलग अलग हम क्या कर देंगे, डिवाइड करके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अपॉन में क्या है टी माइनस वन इंटू में टी, इंटू में क्या है ये डी टी, वन बाई टू टी अपॉन में, इसका अलग से कर देंगे इंटीग्रेशन, टी माइनस वन इंटू में डी टी माइनस में, इसका क्या कर देते हैं अलग से, टी माइनस वन इंटू में डी टी अपॉन में टी माइनस वन इंटू में टी। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, वन बाई टू वन अपॉन में टी माइनस वन का जो इंटीग्रेशन होता है लोग टी माइनस में वन, यहाँ पे वन अपॉन टी बचा है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लोग टी। ठीक है, और वन बाई टू दोनों के बाहर है। अब यहाँ से देखो वन बाई टू, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू इसमें डायरेक्ट क्या पुट कर देंगे, टी की क्या आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस में वन, टी किसके इक्वल था एक्स स्क्वायर प्लस में वन, एक्स स्क्वायर प्लस में वन माइनस में वन, माइनस में लोग टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में वन, डायरेक्ट पुट कर दी हमने वन बाई टू, ये कैंसल आउट हो गया, लोग एक्स स्क्वायर माइनस में, ये क्या हो गया लोग एक्स स्क्वायर प्लस में वन, और प्लस में क्या होता है सी भी लिखते हैं ना हम इंटीग्रेशन करते हुए, यहाँ पे देखो लॉग एम की पावर एन है, हमें पता है लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन आगे आ जाती है पावर एन लॉग एम, एन लॉग एम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा वन बाई टू टू लॉग एक्स माइनस में वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में वन और प्लस में सी, ये कैंसल आउट हो गया, आंसर आ गया लॉग एक्स माइनस में वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में वन प्लस में सी। गिवन जो इंटीग्रेशन था हमारा ये वाला डीएक्स अपॉन में एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या आ गया लॉग एक्स माइनस वन बाई टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में वन प्लस में सी। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था बस, इसमें जो नीचे वाला फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस में वन इसको हमने टी पुट किया, टी पुट करने के बाद ऊपर हमें डीएक्स चाहिए तो डीएक्स की वैल्यू निकाल दी डी टी बाई टू एक्स, नीचे भी एक्स था टू एक्स इंटू एक्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है यहाँ से टी माइनस वन, टू इंटू टी माइनस वन इंटू में टी, टू कॉन्स्टेंट टर्म है हमने बाहर ले लिया, नीचे क्या बच गया था टी माइनस वन और इंटू में टी, ऊपर भी हम टी वाला ही फंक्शन बनाएंगे कि उसको अलग अलग डिवाइड करके हमें कैंसिल आउट कर सके, तो ऊपर वन इंटू में डी टी था, वन को मैंने क्या लिखा टी माइनस ब्रैकेट टी माइनस वन, क्योंकि इसको अंदर लेके जाएंगे तो टी से टी कैंसिल आउट ओनली वन ही बचेगा, तो वन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया इस फॉर्म में। ठीक है, अब इसका अलग अलग हमने क्या कर दिया डिवाइड करके अलग अलग इनका इंटीग्रेशन कर दिया और फिर लास्ट में टी की जगह पे वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर प्लस में वन, यहाँ पे लोग एक्स स्क्वायर बन गया, टू आगे आगे पावर टू लोग एक्स, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, देन इंटीग्रेशन हमारा क्या आ गया लोग एक्स माइनस हाफ लोग एक्स स्क्वायर प्लस में वन प्लस में सी। नेक्स्ट करते हैं हम 57, ये था हमारा 56 वाला क्वेश्चन। अब हमारा 57 क्या कह रहे हैं, ए हमें गिवन है एक्स वाई जेड, बी हमें गिवन है वन टू, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस हमें फाइंड आउट करना था फ्रॉम ए टू बी, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, अगर ए के अंदर एम एलिमेंट है बी के अंदर एन है तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं टू की पावर एम एन, टू की पावर एम एन, और एम की वैल्यू इसमें कितने है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें थ्री है इसमें टू है तो टू की पावर सिक्स दैट इज 64, आंसर कितना आ गया था हमारा नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज 64। नेक्स्ट करते हैं हम 58, पी टू थ्री माइनस वन लाइज इन विच ऑक्टेंट, हमें ये बताना है कि ये जो गिवन पॉइंट है ये कौन से ऑक्टेंट के अंदर लाई करता है, तो देखो हमने पढ़ रखा है यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसमें वैल्यू एक्स की भी पॉजिटिव होती है वाई भी पॉजिटिव, इसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो सबसे पहले इनको एज इट इज लिख लेंगे हम, पहला क्या है प्लस प्लस, दूसरा क्या है माइनस प्लस, तीसरा क्या है माइनस माइनस, ये चौथा है प्लस माइनस, अब इनको
दोबारा लिख लेंगे एज इट इज प्लस, क्योंकि टोटल जो ऑक्टेंट होते हैं वो कितने होते हैं, एट होते हैं, टोटल ऑक्टेंट कितने होते हैं, एट होते हैं, तो इनको दोबारा हम एज इट इज लिख लेंगे, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस ए माइनस। फिर हम क्या करेंगे, पहले चार के आगे प्लस प्लस लिख देंगे, ठीक है, फिर इनके आगे नेगेटिव लगा देंगे। तो अब हमें देखना है कि ये जो गिवन पॉइंट है कौन से ऑक्टेंट के, ये टोटल हमारे एट ऑक्टेंट हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस प्लस माइनस, कौन सा ऑक्टेंट है, प्लस प्लस माइनस, तो ये कौन सा ऑक्टेंट है हमारा, फिफ्थ ऑक्टेंट। इनमें से कोई भी पूछे, हम पॉइंट को देख के यहां से ये कर सकते हैं कि ये कौन सा ऑक्टेंट है हमारा, ये कौन सा है, फिफ्थ ऑक्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई माइनस में जे एंड जे माइनस में के, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ये हमें फाइंड आउट करना है। एंगल बिटवीन क्या होता है डायरेक्ट हमारा, इसमें इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए वन ए टू, कोस थीटा क्या होता है, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस में सी वन सी टू, ये हमारे यहाँ पे देखो कोस थीटा क्या हो जाएगा, ए वन ए टू, आई की यहाँ पे आई के साथ प्रोडक्ट करते हैं वो यहाँ पे है ही नहीं हमारा, तो जीरो हो गया। जे के साथ करेंगे माइनस वन, के यहाँ पे तो माइनस वन है, यहाँ पे जीरो है, तो ये जीरो हो गया। अपॉन में क्या होता है, इसका मॉडुलस वैल्यू आई माइनस जे यानी कि वन प्लस में वन, इसके मॉडुलस वैल्यू वन प्लस वन, माइनस वन अपॉन में रूट टू इंटू में रूट टू, ये कितना आ गया, माइनस है वन बाई टू। कोस थीटा की वैल्यू माइनस वन बाई टू, यानी कि थीटा हमारा कितना हो गया, देखो साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाई टू, तो कोस सिक्सटी की होगी, कोस सिक्सटी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस फाइव बाई थ्री, वैल्यू क्या लिखेंगे इसको, माइनस फाइव बाई थ्री। अब हमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कोस हमारा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। हमने पढ़ रखा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, टेन एंड कोट पॉजिटिव, कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहा हमारा कोस, सेकेंड और थर्ड के अंदर। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा जो ये कोस है वो क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 90 प्लस 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा करेंगे तो पाई माइनस में पाई अपॉन में 3 कितना आ गया, 2 पाई बाई 3। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180 प्लस थीटा फिर 270 माइनस थीटा, तो 180 प्लस थीटा करेंगे तो पाई प्लस पाई बाई थ्री, ये थ्री पाई बाई फोर हमारा एंगल इससे बाहर चला जाएगा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, टू पाई बाई थ्री। एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर आई माइनस में जे एंड जे माइनस में के इज टू पाई बाई थ्री। आई होप आपको ये क्लियर होगा। डायरेक्ट हमने क्या किया है, फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला क्या होता है, ए वन ए टू प्लस में बी वन बी टू प्लस में सी वन सी टू कोस थीटा। तो यहाँ पे ए वन क्या हो गया हमारा, जैसे आई के आगे जो भी वैल्यू होती है उसको ए वन कहते हैं, प्लस में बी वन जे प्लस में सी वन के, ये दूसरा वेक्टर है हमारा ए वन आई प्लस में ए टू बी टू, ए टू बी टू जे प्लस में सी टू के। अब डायरेक्ट हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी, माइनस वन अपॉन में क्या आ गया, टू आ गया, और माइनस वन अपॉन में टू माइनस फाइव बाई थ्री एंगल। और फिर हमने देखा कि जो कोस थीटा है वो नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, वो सेकंड एंड थर्ड के अंदर रहता है, देन पाई माइनस में थीटा किया तो टू पाई बाई थ्री हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन बताना है हमें सीरीज का, सीरीज हमें गिवन है, ये है हमारा 60 वाला क्वेश्चन, अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज, मेरे पास ये ए सेट है 1 2 4 8 16 12, ये एक सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वन है फर्स्ट पे, सीरीज में हमारे पास है वन है, तो वन को क्या लिख सकते हैं हम, टू की पावर जीरो, क्योंकि सारे टू की पावर में दे रखे हैं, तो इसको भी हम टू की पावर में लिख सकते हैं, टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, लास्ट क्या है टू की पावर एन। इस तरह से अगर किसी भी कॉन्स्टेंट टर्म की इस तरह से पावर बढ़ती जाती है तो उसका जो अर्थमेटिक मीन होता है वो क्या होता है, टू की पावर एन माइनस में वन अपॉन में टू की पावर एन माइनस में सॉरी अपॉन में एन, क्या होता है अपॉन में एन, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो यहाँ पे देखो टू की पावर जीरो, टू की वन, टू की टू, टू की पावर लास्ट में एन है, तो ये यहां से यहां तक की हमारी कितनी टर्म्स हो गई, एन टर्म्स हो गई, और एक टर्म ये है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, एन प्लस वन। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया व्हेन
टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज एन। यहाँ पे देखो एन तो यहाँ तक हो गई, एक टर्म ही एक्स्ट्रा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी है, एन प्लस वन है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे 2^(n+1)-1)n+1। तो ये हमें गिवन सीरीज दे रखी थी, इसका हमें अर्थमेटिक मीन बताना था। तो आंसर कितना आ गया, 2^(n+1)-1)n+1। बस यही पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना था कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन प्लस में वन। नेक्स्ट है हमारा बहुत इजी था, 2 < 3x - 4 > 5। ये हमें बताना था कि x कौन से इंटरवल में लाई करता है। सबसे पहले हमें बीच में x की वैल्यू ही रखनी है, तो -4 है तो पूरी इसके अंदर हम क्या कर देंगे, +4 ऐड कर देंगे। ये कह सकते हो इसको हम इधर ले आए, इधर भी जाएगा। तो 2 + 4 < 3x + 5 + 4, 6 < 3x + 9। अब हमें यहाँ पे x चाहिए तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, 2 < x = 3। तो x जो है वो किसके अंदर लाई कर गया, देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, 2 भी लाई करता है, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू का साइन है तो 3 भी लाई करता है। तो x कौन से इंटरवल में आ गया, क्लोज इंटरवल 2 to 3। x कौन से इंटरवल में आ गया, x बिलोंग टू 2 to 3। नेक्स्ट देखते हैं, इफ द मीडियन हो, बहुत इजी था, मीडियन हमें फाइंड आउट करना था। सीरीज दे रखी है x/2, x/3, x/4, x/5, x/6। इफ द मीडियन ऑफ दिस सीरीज इज 6, इसका मीडियन कितना गिवन है, 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको पता है मीडियन क्या होती है, हमारी बीच वाली वैल्यू। मीडियन क्या होती है, हमारी बीच वाली वैल्यू। तो यहाँ से बीच वाली वैल्यू कौन सी है हमारी, x/4, और ये वैल्यू हमें मींस ये हमारा मीडियन आ गया गिवन सीरीज का, और मीडियन हमें गिवन कितना है 6, तो 6 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल देंगे 24, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 24। नेक्स्ट करते हैं हम इसी का 63। मॉडुलस वैल्यू 1 - i^(x)(2)x, और आयटा क्या होता है, अंडर रूट के अंदर -1 वैल्यू। ठीक है, हमें बताना है इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे इस गिवन इक्वेशन के। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस वैल्यू लिखी हुई है। मॉडुलस हम किसी भी फंक्शन का कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस में, यहाँ भी इसका करेंगे, इसके आगे -1 है, -1 का स्क्वायर 1, इसकी पावर कितनी है x है, इधर क्या है 2^(x), ये अंडर रूट 2 आ गया, ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2 इसकी पावर x इक्वल टू 2^(x). अंडर रूट का मतलब इसकी पावर हाफ है, तो 2^(x/2), इधर क्या है 2^(x), हेयर बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, x/2 किसके इक्वल आ गया x के, x = 2x, x को उधर लेके गए तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। लेकिन हमें पूछा गया है यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन गिवन इक्वेशंस के क्या होंगे, तो यहाँ पे तो x इक्वल टू 0 आ गया। नॉन जीरो सॉल्यूशंस तो हमें एक भी नहीं मिला यहाँ पे, नॉन जीरो सॉल्यूशंस तो हमें इस गिवन इक्वेशंस का एक भी नहीं मिला, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 0। इसमें पूछा ही ये था कि नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने होंगे, अगर 0 सॉल्यूशन पूछता तो यहाँ पे 1 हो जाता हमारा, एक ही तो आया है 0 सॉल्यूशन x इक्वल टू 0। नॉन जीरो पूछा है तो नॉन जीरो तो हमारी एक भी वैल्यू नहीं आई, सो आंसर इज 0। नेक्स्ट है 64। 3 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है देखो इस तरह से, ये हमारा 64 वाला, मान लेते हैं कि ABCD क्या ले लिया, एक पैरेललोग्राम ABCD, ए के वर्टिसेस है 3 - 1 - 2, 1 - 2 - 4, सी है -1 - 1 - 2, डी हमें फाइंड आउट करना है, उसको मान लेते हैं XYZ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा, तो देखो हम इसके डायगनल को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, डायगनल हमने ज्वाइन कर लिया, और बीच में ये डायगनल किस पे कट कर रहे हैं, एट पॉइंट O। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा है, वी नो दैट डायगनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं डायगनल, तो ओ इसका मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट से हम इसके ए से डायगनल है जो, तो ओ के मिड पॉइंट फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम एज इट इज बीडी डायगनल से ओ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों इक्वल है, आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो दोनों को इक्वल पुट करेंगे, तो वहां से हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं कि XYZ की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ए से डायगनल लिया, इसका ओ का मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट ऑफ O यूजिंग डायगनल AC,
इसी डायगोनल से इसका मिड पॉइंट निकाला, 3 प्लस में 1 यानी कि 3 माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, 2 प्लस में 2 बाई 2, ये कितना आ गया 2 बाई 2 कितना आ गया 1, ये कैंसिल आउट हो गया 0, ये कितना आ गया 2। अब मिड पॉइंट निकाल देंगे हम कौन से पॉइंट से, कौन से डायगोनल से, ओ पॉइंट के यूजिंग डायगोनल बीडी। बीडी से भी हम इसका क्या निकाल देंगे मिड पॉइंट, ठीक है। तो x प्लस में 1 बाई 2, y प्लस में 2 बाई 2, z माइनस 4 बाई 2, और वी नो दैट डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। तो दोनों को हम क्या कर देंगे इक्वल पुट कर देंगे और वहां से हमारे पास फोर्थ वर्टेक्स आ जाएगा। तो इसका ये क्या है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट x प्लस 1 बाई 2, इसका क्या आया था 1 के इक्वल पुट कर देंगे। y प्लस 2 बाई 2 0 के इक्वल पुट कर देंगे सेकंड कोऑर्डिनेट। थर्ड क्या है z माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू 2, यहां से x y z की वैल्यू निकाल देंगे, 2 माइनस में 1 x की वैल्यू क्या आ गई 1, यहां से y प्लस 2 इक्वल टू 0 y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2, z माइनस 4 इक्वल टू 4 z की वैल्यू क्या आ गई 8। सो कोऑर्डिनेट क्या आ गए हमारे फोर्थ के 1 माइनस 2 और 8, 1 माइनस 2 और 8, ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन। इसके अंदर थर्ड वर्टेक्स निकालना था, तीन वर्टेक्स हमें पैरेललोग्राम के गिवन थे, तो विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी एंड डायगोनल बीडी, तो डायगोनल इसके क्या करेंगे बाइसेक्ट, दोनों को इक्वल पुट किया, दोनों के कोऑर्डिनेट को इक्वल पुट किया, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 2 और 8। नेक्स्ट है हमारा 65, ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट PA इक्वल टू, PA हमें गिवन है 1 बाई 2, PB हमें गिवन है 1 बाई 3, PA इंटरसेक्शन B हमें गिवन है 1 बाई 2, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P A डैश अपॉन में B, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, और वी नो दैट P A डैश बाई B क्या होता है 1 माइनस में, A कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट को क्या करते हैं हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट और जो खुद गिवन सेट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, तो यहाँ पे इसको 1 माइनस में पी ऑफ ए बाई भी लिख सकते हैं ना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट दे रखा है इसका पूरे का कॉम्प्लीमेंट और ये वैल्यू इसके इक्वल होती है हमारी 1 माइनस में ए बाई बी, पी ए बाई बी फॉर्मूला होता है हमारा, पी ऊपर तो इनका इंटरसेक्शन आता है, नीचे नीचे वाली वैल्यू आती है पी ऑफ ए बी, तो 1 माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, 1 माइनस में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 1 बाई 4, पी बी की वैल्यू क्या है 1 बाई 3, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा 1 माइनस में 3 बाई 4, सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आ गया इसका 1 बाई 4, आंसर इज 1 अपॉन में, इजी था बिल्कुल, पी ए डैश बाई बी हमें फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट ये इसका कॉम्प्लीमेंट गिवन था, तो कॉम्प्लीमेंट इस तरह से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उसको क्या लिखते हैं 1 माइनस में पी ऑफ ए बाई बी, ठीक है, पी ओ ए सॉरी पी ऑफ ए बाई बी किसके इक्वल होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन है, पी बी की वैल्यू गिवन है, तो 1 माइनस 3 बाई 4 कितना आ गया ये 1 अपॉन में 4 आ गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट था हमारा 66, इसमें क्या था वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन की पावर 5x dx, ये डायरेक्ट दिख रहा है लिमिट क्या गिवन है हमारी माइनस ए से ए लिमिट गिवन है और फंक्शन है, अगर फंक्शन हमारे यहाँ पे क्या हो फंक्शंस हमारे यहाँ पे क्या हो अगर ओड फंक्शंस आ जाता है तो ओड फंक्शंस में माइनस ए टू ए लिमिट क्या बन जाती है जीरो बन जाती है, अगर फंक्शन आ जाता है यहाँ पे इवन, इवन में क्या हो जाएगा तो गिवन फंक्शंस का ट्वाइस हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी जीरो टू ए डीएक्स, तो इसमें क्या था हमारा फंक्शंस देखो फंक्शंस था हमारा साइन की पावर 5x, ये हमारा एक ओड फंक्शंस है, कैसे पता चला ओड होगा या इवन, तो गिवन फंक्शंस के अंदर एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करेंगे तो साइन फाइव ऑफ माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया माइनस साइन फाइव एक्स, अगर गिवन फंक्शन पुट करने के बाद माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो हमारा ये क्या हो जाता है ओड फंक्शन, हमारा क्या हो जाता है ये ओड फंक्शन, अगर एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट करने पर ये हमारा एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आ जाता तब ये हमारा क्या हो जाता इवन फंक्शन, तब हमारी ये जो लिमिट है वो क्या हो जाती माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, रिजल्ट होता है ये
जीरो होता है व्हेन एफ एक्स इज ए ओड फंक्शन, और ये लिमिट किसमें चेंज होता है, ट्वाइस ऑफ जीरो से ए एफ एक्स डीएक्स कब हो जाती है लिमिट, व्हेन फंक्शंस क्या हो, इवन फंक्शन, फंक्शंस इज ए इवन फंक्शन, एफ एक्स इज ए इवन फंक्शंस। तो यहाँ पे हमारा ये ओड फंक्शंस आ गया, तो डायरेक्ट इसकी जो लिमिट है माइनस ए टू ए, ये आंसर कितना आ गया हमारा, जीरो। डायरेक्ट लिमिट आ गई इसके अंदर हमारी माइनस ए टू ए, क्योंकि जो साइन की पावर फाइव एक्स है ये हमारा एक ओड फंक्शन है। नेक्स्ट करते हैं हम इसमें 67, वेरियंस ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये डायरेक्ट है हमारा, क्या होता है इसका फॉर्मूला, एन स्क्वेयर माइनस वन अपॉन में 12, एन स्क्वेयर माइनस में वन अपॉन में 12। अगर यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होता स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो क्या होता है डायरेक्ट वेरियंस का क्या होता है अंडर, तो इसमें हमें ओनली वेरियंस ही पूछा था कि वेरियंस क्या होगा फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का, एन स्क्वेयर माइनस में वन अपॉन में 12। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 68, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम व्हेन ए फेयर कॉइन इज टोस्ट सिक्स टाइम्स, फेयर कॉइन को टोस्ट किया है, इज टोस्ट सिक्स टाइम्स। हमें पता है किसी भी फेयर कॉइन को इस तरह से हम टोस्ट करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसमें कितने टाइम्स उसको टॉस किया गया है, सिक्स टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया डायरेक्ट पॉसिबल आउटकम क्या बन गई, टू की पावर सिक्स। अगर फाइव टाइम्स यहाँ पे टॉस किया होता तो आंसर क्या आ जाता, टू की पावर फाइव, इसमें एज इट इज टू की पावर सिक्स था ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा 69, द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इक्वेशंस गिवन है हमें एक कोसिकेंट थीटा इक्वल टू माइनस टू, हमें फाइंड आउट करने हैं इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो यहाँ से देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वन बाई टू, हमें पता है कि ये वैल्यू किसके ऊपर होती है, साइन थीटा की, साइन थर्टी की वैल्यू होती है, उसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस पाई बाई सिक्स, थर्टी को क्या लिख देंगे, माइनस पाई बाई सिक्स। अब हमें देखना है कि साइन थीटा माइनस पाई बाई सिक्स यानी कि नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, हमने पढ़ रखा है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव रहता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ से ये नेगेटिव वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर रहेगी, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड के अंदर तो ये साइन क्या रहता है, पॉजिटिव, तो थर्ड में क्या होता है हमारा 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, इसमें होता है 90 प्लस 180 माइनस, इसमें क्या हो जाएगा 270 प्लस, फिर से क्या आ जाता है 360 माइनस, ठीक है। तो इसमें सोल्व करेंगे हम, एक बार तो 180 प्लस थीटा करेंगे, पाई प्लस में पाई बाई सिक्स करेंगे, तो आंसर कितना आ गया 7 पाई बाई सिक्स। एक बार क्या करेंगे 270 क्या होगा, इसमें एंगल हमें ये भी देखना है कि उसके अंदर लाई करता है या नहीं करता, तो इसमें क्या हो जाएगा ये 2 पाई माइनस में थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 2 पाई माइनस में थीटा, ये आ गया हमारा 11 पाई बाई सिक्स। एक तो डायरेक्ट ही हमारा ऑप्शन था पाई बाई सिक्स और माइनस पाई बाई सिक्स, ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट में तो ये लाई नहीं करता जिसमें साइन की वैल्यू नेगेटिव हो, या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा, तो थर्ड में हमने देखा कि 180 प्लस थीटा किया तो 7 पाई बाई सिक्स आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू, फिर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या था 360 माइनस में थीटा, अगर 270 प्लस और ये करेंगे तो वो एंगल हमारा ये उसकी वैल्यू इसके इक्वल नहीं आएगी, तो इसे यहां से लिया हमने 180 प्लस थीटा, यहां से 360 माइनस में थीटा, तो 2 पाई माइनस में पाई बाई सिक्स कितना आ गया 11 पाई बाई सिक्स। तो हेयर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या आ गया गिवन इक्वेशंस का 7 पाई बाई सिक्स और 11 पाई बाई सिक्स। नेक्स्ट था हमारा 70, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 माइनस में कोस एक्स अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर है। एक तो डायरेक्ट रिजल्ट है यहाँ पे 1 माइनस में कोस एक्स है और लिमिट अगर एक्स टेंस टू जीरो है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे इसी फंक्शंस का स्क्वायर हो रखा है, तो डायरेक्ट वैल्यू इसकी क्या आएगी 1 बाई टू। और इसको हम सॉल्यूशन से सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे इसका, हमें पता है कि 1 माइनस में कोस एक्स क्या होता है, यहाँ जो भी एंगल है उसका हाफ हो जाता है और माइनस वाली वैल्यू साइन के अंदर चेंज होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। फॉर्मूला है ये हमारा 1 माइनस में कोस तो साइन में चेंज होगा, यहाँ पे जो एंगल है एक्स वो हाफ हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ पे पुट करते हैं हम लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है,
ये इसके इक्वल होता है साइन एक्स बाई टू का होल स्केयर, यानी कि एक्स स्केयर बाई फोर लिखा हुआ है यहाँ पे, एंगल क्या लिखा हुआ है एक्स स्केयर बाई फोर। हमें पता है कि साइन एक्स अपॉन में एक्स, अगर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है तो ये वैल्यू क्या आती है, वन आती है। यहाँ पे एक्स स्केयर बाई फोर है तो नीचे भी तो एक्स स्केयर बाई फोर होना चाहिए ना, तो एंगल सेम बनाएंगे हम, नीचे एक्स स्केयर बाई फोर किया तो फोर से डिवाइड फोर से मल्टीप्लाई, अब ये वाली वैल्यू इसके ऊपर लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी इसकी, वन आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर बाई फोर और ये टू बाई फोर अलग से बच गया, तो इसकी वैल्यू तो क्या आ गई वन, तो आंसर कितना आ गया हमारा वन बाई टू। एक तो डायरेक्ट हमने इस फॉर्मूले से किया है इसको, एक डायरेक्ट रिजल्ट है यहाँ पे, ये एंगल एक्स है नीचे इसी का स्क्वायर हो रखा है तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी वन अपॉन में टू। नेक्स्ट देखो इसी का, फैमिली ए सॉरी फैमिली वाई 71 के अंदर क्या कह रखा है, वाई किसके इक्वल है ए एक्स प्लस में ए क्यूब, ऑफ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ डिग्री। हमें गिवन जो इक्वेशंस दे रखे हैं इसकी हमें डिग्री बतानी है, तो डायरेक्ट पहले इसका हमें क्या करना होगा, डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशंस डीवाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ये क्या आ गया ए, इसका तो जीरो हो जाएगा। तो अब ए की जगह पे गिवन इक्वेशंस में ए की जगह पे डीवाई बाई डी एक्स कर देंगे, तो वाई इक्वल टू ए की जगह पे डीवाई बाई डी एक्स इंटू में एक्स प्लस में ए क्यूब मीन्स डीवाई बाई डी एक्स का क्यूब। अब हमें इस गिवन इक्वेशंस की क्या बतानी थी, डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी जो पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं डिग्री। तो इस इक्वेशंस के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस का हाईएस्ट ऑर्डर एक ही तो दे रखा है ना, वन ही है डीवाई बाई डी एक्स, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है तीन है, हाईएस्ट इसकी क्या है पावर कितनी है थ्री, यही हमारी क्या होगी इसकी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस की डिग्री, आंसर इज थ्री। नेक्स्ट देखो 72 हमारा, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमें गिवन है, देन ए बी डैश माइनस में बी ए डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है हमारा, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो ए डैश ए के इक्वल है बी डैश बी के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा ए बी माइनस में बी, ए बी माइनस में बी, लेकिन यहाँ पे देखो ए बी माइनस में बी ए ये दोनों आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, तो यहां से ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस तो है, तो अगर हम इसका डायरेक्ट ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो इसका अगर हम डायरेक्ट क्या लें ट्रांसपोज लें ए बी डैश माइनस में बी ए डैश ट्रांसपोज लेंगे तो डायरेक्ट ये किसके इक्वल हो जाएगा ए का ट्रांसपोज और बी माइनस में बी का ट्रांसपोज और ए, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा बी डैश ए माइनस में बी बी डैश ए, यानी कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाता है। व्हेन ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है तो वहां पे मैट्रिसेस क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक में क्या होता है ए का ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आता है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी इसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे तो वो माइनस ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। माइनस इसी का माइनस वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है। या ए डैश ए के इक्वल था बी डैश बी के इक्वल था क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिसेस तो इसमें पुट किया तो ये एक नल मैट्रिक्स नहीं आएगी क्योंकि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, तो डायरेक्ट रिजल्ट है अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं देन ए बी डैश माइनस में बी ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट करते हैं हम 73 है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास हिज एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कि वो किसी भी एग्जाम को पास करने की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी गिवन है 0.73, यानी कि इसको मैंने क्या लिख दिया 73 है ये हमारा, पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.73, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग सीट एब्रोड इज 0.13, प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है गेटिंग सीट एब्रोड, ठीक है, ये हमें गिवन है 0.13 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास और गेट ए सीट एब्रोड इज 0.80, यानी कि पास होने की भी और उसको सीट मिलने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.80, यानी कि यूनियन की वैल्यू गिवन है हमें वो कितनी है 0.80। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
पासिंग एंड गेटिंग सीट एब्रोड, एंड वाला मीन्स इंटरसेक्शन की वैल्यू यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि ए इंटरसेक्शन पी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो वी नो दैट पी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, इसकी है 0.80, 0.73 और इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है पी बी मीन्स एब्रोड की कितनी है 0.13, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको इधर ले आते हैं हम, ए इंटरसेक्शन पी कितना आ गया 0.73 प्लस में 0.13, इसको उधर लेके जाएंगे 0.80, तो आंसर आ गया 0.06 पी ए इंटरसेक्शन पी. ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ही पासिंग एंड गेटिंग सीट एब्रोड. बहुत इजी था, डायरेक्ट ये हमारा. नेक्स्ट देखो 74, ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी. ए और बी का एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. देखो ये तो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है, ये हमारी डॉट प्रोडक्ट है. क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से ओपन होती है, मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए मॉडुलस वैल्यू ऑफ बी इंटू में साइन थीटा, ये हमारी डॉट प्रोडक्ट है. मॉडुलस वैल्यू ऑफ ए मॉडुलस वैल्यू ऑफ बी कोस थीटा, ये तो डायरेक्ट क्या हो गया कैंसिल आउट, इसको इधर लेके आएंगे साइन बाई कोस क्या बन गया टेन थीटा इक्वल टू वन, थीटा कितना आ गया हमारा पाई, वन वैल्यू टेन थीटा की किस एंगल पे होती है पाई बाई फोर. सो एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज पाई बाई फोर. नेक्स्ट था हमारा 75, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड पूछा हुआ था, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर 6i 2j प्लस में 3k, इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू बतानी है. तो अंडर रूट करके हम इनका स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ गया 36 प्लस में 13 49, दैट इज 7. डायरेक्ट इसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, वो कितनी आ गई 7. नेक्स्ट है हमारा x प्लस में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, देन हमें ये बताना है कि ये वैल्यू किस किस की, एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेंगे. एक रिजल्ट पढ़ रखा है कि मोड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, देन रिजल्ट होता है एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए. एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये हमारे 11th क्लास का है चैप्टर इनइक्वालिटी वाला, उसमें डायरेक्ट रिजल्ट है कि इफ मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है देन एक्स क्या होता है लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए. यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस ए माइनस 10, एक्स की जगह पे एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10. तो यहाँ से एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस में 13, माइनस 13 से लेस, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 7. इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू कम है माइनस 13 से, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी. हमेशा इन्फिनिटी के ऊपर क्या आता है ओपन इंटरवल, और यहाँ पे देखो क्लोज इंटरवल आएगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है माइनस 13. यहाँ से क्या आ गई, इक्वल टू का साइन है 7 टू इन्फिनिटी, तो यूनियन ले लेंगे यहाँ से 7 टू इन्फिनिटी. तो यहाँ से मोड एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो आंसर कितना आ गया हमारा एक्स, एक्स किस में बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 13 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी. नेक्स्ट है हमारा देखो 77 वाला, मॉडुलस ऑफ ए इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी, हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी. तो हमें पता है यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, इसका स्क्वायर और माइनस में इसका स्क्वायर, दोनों आपस में क्या है इक्वल, तो आंसर कितना आ गया हमारा 0. यही पूछा था कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी किसके इक्वल होगा 0. ओके, यहाँ हमने किए हैं इसके 77 क्वेश्चंस, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर. आई होप आपको ये क्वेश्चंस सारे क्लियर होंगे. अगर फिर भी किसी क्वेश्चंस में डाउट है, किसी भी स्टेप में आपको डाउट है, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. थैंक्स एवरीवन.